नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक चीज साझा की थी कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाती है। आज उसी एग्जांपल्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में हम लेकर देखते हैं कि किस तरीके से हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारा सिद्धांत, हमारी मैन पावर, हमारी सोच, हमारी काबिलियत और हमारी प्लानिंग किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले जीवन के अंदर यदि हम ये निर्धारित करना चाहते हैं कि हमें करना क्या है, तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी खूबी क्या है। वो काम जो आप हर परिस्थिति में करके खुशी महसूस करते हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ है। यानी आप थके हुए हो, नींद में हो, बहुत ज्यादा व्यस्त हो, उसके बाद भी यदि आपको वो काम करने के लिए कहा जाए तो आप हंसी खुशी वो काम करने के लिए तैयार होते हैं। समझ जाइए, वही आपकी स्ट्रेंथ है। कुंडली के आधार पर तो चीज पता लगती है, लेकिन आप स्वयं भी ये चीज को पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको खाना बनाने का बड़ा शौक है, या खाना खाने का बहुत शौक है, या खाने के अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाना और उसको नया टेस्ट डेवलप करना, ये आपकी खूबी है। या आप बहुत अच्छी तरह से फूड को क्वालिटी वाइज पहचान सकते हैं कि हाँ, इसका टेस्ट बढ़िया है, ये चीज अच्छी है, ये स्वादिष्ट है। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है और आप खुद उसके बारे में अच्छी नॉलेज भी रखते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ फूड इंडस्ट्री की है, आपको वहीं जाना चाहिए। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका वो शौक भी है और उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप 8 घंटे 10 घंटे भी मेहनत करने को तैयार है। अब बात आती है कि हम इसको अपना बिजनेस कैसे बनाएं। अब मान लीजिए आप एक बहुत ही छोटे परिवार से संबंध रखते हैं, जहां आपके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं है व्यापार करने के लिए, तो दो तरीके होते हैं। अगर आपको नौकरी करनी है तो आप हलवाई के रूप में अपना जीवन शुरू कर लेंगे, वो एक सिंपल काम है। लेकिन बात हम यहां कर रहे हैं आज बिजनेस की और आगे बढ़ने के मौकों की। तो आपके दिल में आता है कि अगर मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं या कोई खाने से संबंधित कोई व्यापार करूं तो मुझे यहां पर फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि मेरा पसंदीदा क्षेत्र भी यही है और मुझे उसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज भी है, क्योंकि मैं घर पर वो चीज करता रहता हूं। तो यहां पर आपको लगता है कि मेरे शहर के अंदर समोसे कचौरी वाले जो हैं वो एक अच्छा पैसा भी कमा लेते हैं, लोग खाते भी हैं, रोज का धंधा है, मैं 2 पैसे कमा सकता हूं, तो मुझे काम करना चाहिए। तो क्या आप अपना बिजनेस शुरू कर देंगे? नहीं। यहां पर भी आपको पहले कुछ वर्क करना पड़ेगा। यानी कि आपने अपनी प्रतिभा को पहचान लिया, चाहे स्वयं पहचाना चाहे कुंडली के आधार पर आपने पहचाना, लेकिन आपने पहचान लिया। अब उसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है कि क्या मुझे वो काम करना है तो किस तरीके से करना है, मेरी ग्रोथ क्या रहेगी। उसके लिए यहां पर आपको एक होमवर्क भी करना पड़ेगा, और यह होमवर्क कौन कर पाएगा? जिसका बुद्ध अच्छा होगा। बुद्ध अच्छा होगा तो कैलकुलेशन कर पाएगा कि मैं इस व्यापार को किस तरीके से कर सकता हूं। अब आप क्या करेंगे, अपने जिस शहर में आप रहते हैं उस एरिया के जो सबसे बढ़िया 5 मिठाई वाले हैं या चाट वाले हैं, जहां पर कि समोसे कचौरी बिकते हैं, उनका एक एवरेज अनुपात आप निकालिए कि वो कितने पीस रोज के बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो 1000 पीस बेचते हैं, तो आप उस शहर के 5 बढ़िया जो प्रसिद्ध दुकानें हैं उन सबको आप नोटिस करिए और ये देखिए कि वहां पर कितने पीस एवरेज बिक रहे हैं, और आपने वो निकाला कि 1000 पीस रोज की इनकी सेल है एवरेज। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि पहले उन 5 जगह से आप एक एक पीस खरीदिए और एक अपना खुद का भी प्रोडक्ट बनाइए, एक समोसा आप घर में भी बनाइए, और फिर खुद टेस्ट करके देखिए कि क्या आपकी बनाई हुई चीज क्या इन बाकी की 5 चीजों को टक्कर दे रही है। क्योंकि बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि जो चीज आप बना रहे हैं, जो टेस्ट आपने डेवलप किया है, ये इन 5 बाकी के लोगों के बराबर का है, उससे बढ़िया है, क्योंकि उससे कम होगा तो नेचुरल आप खुद ही उसको
अप्लाई नहीं करेंगे, आप अच्छी कोशिश करेंगे और आपको लगता है कि आपने अच्छी कोशिश करी है और अब आपका प्रोडक्ट बाकी के पांच चीजों से बेहतर है, तब आपने एक स्टेप और पार कर लिया कि हां आप ये काम कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं, तो क्या कल से काम शुरू कर दें? नहीं, आप उन पांच प्रोडक्ट को और एक अपनी चीज को लेकर के, यानी पांच चीजें उन पांचों दुकानदार की और एक आपकी चीज, उसको लेकर के किसी पांच नए लोगों को आप टेस्ट कराइए और उनसे पूछिए कि इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है या सबसे अच्छा टेस्ट किसका है। यदि वहां पर आपको तीन या तीन से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि आपकी चीज ज्यादा अच्छी है, आप उनको बताइए मत कि आपने कौन सी बनाई है, लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी बनी हुई चीज ज्यादा अच्छी है और तीन या तीन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ गए कि हां अब आपका प्रोडक्ट चलेगा। क्या तब खोल लें? नहीं, उसको आप अगेन तीन जगह पर अलग अलग तरीके से ट्राई कीजिए, यानी पांच कुछ और लोग, पांच कुछ और लोग और पांच कुछ और लोग, और उन सबको भी इसी तरह से आप चीज टेस्ट कराइए। अगर तीनों के अंदर, तीनों ग्रुप के अंदर तीन बार या तीन बार से ज्यादा अगर आपकी चीज पसंद की जाती है, तो यह डैम श्योर है कि आपका प्रोडक्ट अब चलेगा। हम लोग ये काम नहीं करते, मल्टीनेशनल कंपनियां काम बहुत अच्छी तरह से करती है, तभी वो कभी फेल नहीं होते, बहुत रेयर केस में फेल होते हैं। और यही डाटा वो लोग गूगल, फेसबुक और इन लोगों से खरीदते हैं कि हमारी पसंद नापसंद क्या है, और उसी के आधार पर अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। लेकिन हम ये तरीका अपने व्यापार में कभी इस्तेमाल नहीं करते। जब यहां पर आपको यह पता लग गया कि हां आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, यानी आपने एक अपना पड़ाव पार कर लिया कि अब आपका चीज आपकी चलेगी ही चलेगी, तो क्या कल से हम खोल लें? नहीं, यहां भी आपको यह चीज देखना पड़ेगा कि इसको करने के लिए आपको कितनी पूंजी की जरूरत है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए की जरूरत है, आपकी पूंजी इतनी है, और मान लीजिए आपको इस काम के लिए 50,000 की पूंजी की जरूरत है, आप 1,00,000 की व्यवस्था करें, क्योंकि काम छोटा है, उसमें 1,00,000 से शुरू हो सकता है। अगर वो आपके सामर्थ्य में है तभी आप काम कर पाएंगे। आपके अंदर टैलेंट है और उस काम को करने के लिए मान लीजिए 20,00,000 की जरूरत है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस फंड की व्यवस्था ही नहीं कर सकते, वो रिस्क आप ले ही नहीं सकते। तो यहां पर यदि आपको इस काम के लिए 50,000 की जरूरत है, तो आप 1,00,000 रुपए की व्यवस्था किसी तरह से करके अपने पास रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है किसी बिजनेस को करने के लिए। अब आपने फंड्स की व्यवस्था भी कर ली, प्रोडक्ट भी आपका फाइनल हो गया कि आपका बिल्कुल सही है, टेस्ट बढ़िया है, क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अब आप आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका फाइनेंस भी फाइनल हो गया, प्रोडक्ट भी फाइनल हो गया कि अब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो क्या हम काम शुरू कर लें? नहीं दोस्तों, यहां पर भी आपने अभी कुछ पड़ाव पार नहीं किए हैं। यहां आपको क्या करना है, यहां आपके बाद में एक नया स्टेप शुरू होता है, और वो है कि आपको अब एक जगह भी तो चाहिए सामान बेचने के लिए। तो आप ये देखिए कि आपके आसपास में वो कौन सी जगह है जहां फुटफॉल बहुत अच्छा है, लोग बहुत ज्यादा आते जाते हैं। तो कहीं और यदि मान लीजिए आपको 5,000 रुपए महीने में या 7,000 रुपए महीने में किराए पे कोई जगह मिल रही है, और वहां के लिए आपको 3-4 हजार ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप वही चीज जगह चूज कीजिए जहां पर फुटफॉल अच्छा है। तो आपको बहुत से लोग अपने आप ही आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए स्वतः ही मिलेंगे, यह आपके लिए एक और अच्छी बात होगी। आप किसी ऐसी जगह पर जाकर अपना व्यापार मत करिए जहां लोग आते ही नहीं है, तो आपको लोगों को वहां तक बुलाने के लिए भी एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। यहां आप अपने अब जगह भी डिसाइड कर ली कि यह जगह सही है जहां पर कि लोग बहुत आते जाते हैं, और अब यहां पर मैं ये दुकान भी खोल सकता हूं। अब बात आती है क्या हम काम शुरू कर दें? नहीं दोस्तों, उसके बाद भी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिन पांच जगहों पर से आपने जो सैंपल लिए थे उनकी सेल 1,000 पीस पर डे की थी, जब आप पहले दिन वो काम करेंगे तो क्या आपकी 1,000 की वो सेल आ जाएगी? नहीं आएगी। तो क्या उस एरिया के लोग 1,000 पीस एक्स्ट्रा खरीदना शुरू कर देंगे? वो भी नहीं होगा, क्योंकि सेल तो 5,000 चीज की ही है। तो आपके पास लोग कैसे आएंगे, कैसे ग्राहक पहुंचेंगे और आप कितनी सेल कर पाएंगे, ये कैलकुलेशन भी तो बहुत जरूरी है। तो आप बात एक मान के चलिए कि आप केवल एक दुकानदार को 5% का ही डेंट दे पाएंगे पहले दिन, यानी जो 1,000 पीस बेच रहा है
उसमें से केवल 50 पीसी की सेल ही आपके पास आएगी, और पांच जगह है तो आप एवरेज मानिए कि 250 पीस की सेल आपके पास आएगी और उनके 950 के आसपास रह जाएगी, क्योंकि लोग तो वही होंगे, यानी चीज तो 5000 ही बिकेंगी लेकिन उसमें से 250 चीजें आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी अच्छा है, आपने जगह भी सही ली है। अब बात आती है कि जो 250 पीस आप बेचेंगे क्या उसमें आपका खर्चा चल जाएगा? मान लीजिए आपका 20,000 रुपए महीने का खर्च है और उस एक समोसे की कीमत या एक कचौरी की कीमत 15 रुपए है, तो आपको यहां पर प्राइसिंग भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि अगर आप 15 में बेचेंगे तो आप कंपटीशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 15 की जगह 14 रुपए उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। ये सब कैलकुलेशन करने के गुण जो है ये हमें अपने ग्रहों के आधार पर मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत से टैलेंटेड लोग किसी की फर्म में काम करते हैं, अपना टैलेंट वहां बेचते हैं, सैलरी लेते हैं, मस्त रहते हैं, और बहुत से लोग दूसरों का टैलेंट खरीदते हैं और उस पर ऐश करते हैं। ये भी आपके कुंडली से डिसाइड होता है कि आपको टैलेंट बेचना है या टैलेंट खरीदना है। अब यहां पर आपने ये डिसाइड किया कि आपको 14 रुपए में वो चीज बेचनी है क्योंकि 15 रुपए में ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, तो लोग आप तक आए इसके लिए उस कीमत का कम होना जरूरी है। अब यहां पर 250 पीस आप बेच रहे हैं और आप ये देखिए कि आपको उस पर कमाई कितनी मिलेगी। मान लीजिए उसकी कॉस्टिंग आपकी 11 रुपए आती है, यानी कि 3 रुपया एक पीस पर आपकी कमाई मिल रही है आपको, तो यहां पर 250 पीस के ऊपर आपकी कमाई कितनी हुई? 750 रुपए। और 30 दिन, चूंकि ये व्यापार ऐसा है जो महीने में 300 दिन चलता है, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है, तो महीने में यदि 30 दिन आप इस काम को कर रहे हैं तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 250 × 3 = 750 × 30 = 22,500। आपका घर खर्च कितना है? 20,000। कमाई कितनी है? 22,500। यानी आप इस व्यापार को कर सकते हैं, यह व्यापार आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। अब यह भी डिसाइड हो गया कि यह व्यापार मेरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, मुझे काम करना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट भी अच्छा है, मेरी क्वालिटी भी अच्छी है और मेरी जगह भी मैंने अच्छी ले ली है और मैंने कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर ली है, अब क्या करना चाहिए? दोस्तों यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि उस बिजनेस को चलाने में भी एक वक्त लगेगा। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको 250 पीस की ही क्वांटिटी रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप, अगर डिमांड आई और आपने यदि अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो भी बिजनेस पर फर्क पड़ता है। जो 250 पीस का रेशियो आपने निकाला है वो रेशियो है जो आपका बिल्कुल बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि 5% से ज्यादा आप किसी की सेल को नहीं तोड़ पाएंगे इन अ फर्स्ट डे। पहले दिन से ऐसा नहीं होगा, धीरे 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 उसमें ग्रोथ होगी। तो यहां यदि आप अगले 3 महीने तक 250 पीस की सेल को मेंटेन कर पाए तो आप समझ जाइए कि आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता। 3 महीने के बाद यानी 1 क्वार्टर के बाद में अगले क्वार्टर में आपकी सेल 500 तक पहुंचेगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी भी होगी, लोग पसंद भी करेंगे और उसकी सेल आपको देखने को मिलेगी। आपकी 500 होगी और लोगों की सेल 100 पीस की कम हो जाएगी। 6 महीने के बाद थर्ड क्वार्टर में यही आपकी 750 पर पहुंचेगी, और लास्ट क्वार्टर में यानी कि 9 महीने के बाद में 1 साल तक आपकी वो सेल 1000 पीस तक आ जाएगी। अब आप एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हो गए हैं उस मार्केट के अंदर। बिजनेस इस तरीके से काम करता है। अब जब 1000 पीस आप बेचने लगे तब क्या होगा? जो बाकी के दुकानदार हैं उनकी सेल 800 पीस पर आएगी। आपकी 1000 है, उनकी 800 है, यानी अब आप उस शहर के सबसे बड़े प्लेयर हो गए हैं, सबसे बड़े उस चीज के व्यापारी हो गए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी आपने किसी दूसरे व्यापारी को खत्म नहीं किया।
ठीक है, 1000 की जगह 800 की सेल आई, व्यापार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, उन व्यापारी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका दुश्मन नहीं बन रहा है और आपने अपने मार्केट में अपनी जगह बना भी ली है। यही होता है जब एक मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट में आती है तो वो किसी दूसरे को दुश्मन ना बना करके वो जगह तलाश करती कि कहां वो अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन हमारा व्यापार करने का तरीका कुछ अलग है। हम क्या करते हैं कि एक जगह कहीं कोई दुकान चलने लगी, हम भी उसके बगल में थोड़ा आगे पीछे एक दुकान खोल लेते हैं, सोचते हैं अब ये चल गई तो मेरी भी चल जाएगी। अब होता यह है कि अगर डिमांड्स ज्यादा है तो एक दिन धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया हब के रूप में डेवलप हो जाता है और वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, वरना होता क्या है कि कंपटीशन के दौर में आप उसका व्यापार खा रहे हैं, वो आपका व्यापार खा रहा है, एक दिन दोनों ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम बिना स्ट्रेटेजी के काम करते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली से तय होती हैं। ये व्यक्ति इस लेवल का है या नहीं है, बाकी के ग्रह उसको क्या स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तभी तो आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि भाई नौकरी करो या व्यापार करो, व्यापार करो तो कौन सा करो। बहुत अच्छे आपके कुंडली के अंदर योग बन रहे हैं तो क्या कल से आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री खोल लोगे, शनि बहुत अच्छा है तो क्या कल से आप बहुत बड़ी हार्डवेयर की दुकान खोल लोगे। अगर आपकी हैसियत 10-20 हजार की है तो काम भी तो आपको उसी तरह का करना पड़ेगा ना। तो एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि किस तरीके से, किस क्षेत्र में, किस तरीके से आप काम करने के आपके अंदर सामर्थ्य है, और फिर यदि प्लानिंग आपके पास आती है तो आप बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक साल के अंदर आपने अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर लिया, उस शहर के सबसे मशहूर दुकानदार भी आप बन गए, और कहां आप 22,000 रुपए से शुरू कर रहे थे, एक साल बाद आपकी सेल 1000 पीस की है और आप कितना कमा रहे हैं, 4 टाइम। यानी जहां आप 22,500 रुपए आपकी इनकम थी, वहां पर आपकी 4 टाइम आपकी इनकम हो चुकी है। यहां पर आपने बिजनेस भी किया, वेल्थ क्रिएट भी की और अपने जीवन को सुधारा भी। लेकिन दोस्तों, ये चीज हम लोग नहीं करते हैं। अब यही बात होती है, चूंकि मैंने तो एमबीए की पढ़ाई की है इसलिए मुझे बहुत सब चीजें बहुत अच्छी तरह समझ आती हैं, और इसीलिए मैं जिंदगी के उस चीज को बहुत ही साधारण शब्दों में एक उदाहरण के सामने आपके सामने लेकर आया हूं कि किसी काम को करने से पहले कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है और उसमें एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से आपको गाइड करती है। ये कॉम्बिनेशन है, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, कुछ टू व्हीलर्स में, तो आप देखिए वहां पर ऑयल भी साथ में डलता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि आपका वो इंजन बहुत स्मूथली काम करे। परसेंटेज बहुत छोटा होता है लेकिन उसके बिना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है आपकी लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से एक तरीका डिसाइड होता है, और बाकी के ग्रहों की स्थिति से आपकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, और उसके बाद आपका एक्शन निर्धारित करता है, आपकी प्लानिंग निर्धारित करती है कि आप उस काम के अंदर कितना सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। अब दोस्तों, यहां पर एक चीज और समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मान लीजिए अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो ये सब प्लानिंग आपने की बिना एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के की, और फिर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चलता है, बहुत से और कारण भी तो यहां पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। मान लीजिए नगर निगम की कोई प्लानिंग आ गई और आपको वहां से दुकान हटानी पड़ी, या फूड सेफ्टी के कोई नियम आ गए जिसकी वजह से आपको कुछ चेंजेस करने पड़े जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसा आपने देखा होगा कि मैगी के अंदर लेड की मात्रा को लेकर के बहुत बड़ा चेंजेस आया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर ऐसी कोई प्लानिंग आ गई तो मान लीजिए सेहत को लेकर कोई अवेयरनेस आती है और उसकी वजह से तली हुई चीजें बिकना कम हो रही है, या कोरोना जैसी महामारी की वजह से आपका व्यापार बंद हो रहा है, ऐसी चीजें भी तो आपकी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होती है ना। ये रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है, ये रिस्क फैक्टर भी आपको एस्ट्रोलॉजी के तरीके से पता लगता है कि आने वाला समय कैसा है, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा डेंट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर भी एक चीज काम करती है, और वो ये, जैसा मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर दंपति ने मुझे एक कुंडली कंसर्न की थी, हालांकि वो कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्हें एक अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है अपने शहर के अंदर, और वो शहर के बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं।
बहुत समय से जमीन नहीं मिल पा रही थी, फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस उन्होंने ली, उसके बाद उन्होंने जमीन भी परचेज की। अब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो इस हॉस्पिटल को बहुत जल्दी तैयार कर दें। तो उन्होंने दोनों के कुंडली दिखा करके ये चीज पूछी थी कि हम किस तरह से इस काम को करें। तो वहां पर दोस्तों दोनों की कुंडली को देखने के बाद में एक चीज ये आ रही थी कि 2 साल का समय उनका ऐसा आ रहा था 2022 से 2024 का, जो उन दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो यहां पर अब क्या करें? क्या आप इस चीज को पोस्टपोन कर दें? और अगर अभी करते हैं तो आपको पता है कि 2 साल बाद प्रॉब्लम आनी है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया, वो क्या कि 2022 से पहले हमको अपना हॉस्पिटल तैयार करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल है तो 2022 तक आपका हॉस्पिटल बनकर तैयार भी हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा और स्टार्टिंग में वो चलेगा भी। लेकिन 2022 से 2024 के बीच में जो ये समय आ रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अब ऐसे में क्या करें? तो निर्धारित ये किया कि आपको ये सोचना है कि आपका हॉस्पिटल आपको पैसे 2024 के बाद कमा के देगा। तो यहां पर आपको करना यह है कि हॉस्पिटल के खर्च में, हॉस्पिटल के बनाने की जो कॉस्ट आएगी, उसके अंदर हमें 2024 तक का यानी 4 साल तक का एक्सपेंडिचर भी इन्वॉल्व करना है। यानी मान लीजिए हॉस्पिटल को बनाने की कॉस्ट आती है 50 करोड़ रुपए, और 4 साल का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और उस हॉस्पिटल की ऑपरेशनल कॉस्ट जो आती है वो आती है मान लीजिए 8 करोड़ रुपए। तो आपके हॉस्पिटल की रनिंग कॉस्ट जो आएगी, ऑपरेशनल कॉस्ट जो आएगी 8 करोड़ रुपए मान लीजिए, तो आप उस हॉस्पिटल के कॉस्ट को 58 करोड़ रुपीज मान के चलिए। अब यहां आपने अगले 4 साल की व्यवस्था पहले कर ली और आपको पता है कि 4 साल ऐसा रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अगले 4 साल इसकी व्यवस्था की हुई है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आने में इतना वक्त लगेगा। या तो हम 2024 तक इंतजार करें उसके बाद जाकर के हॉस्पिटल चलाएं, वो भी एक डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी लैंड ली हुई है, उसका आपका फाइनेंस चालू है, उसके अपने खर्चे चालू है, उसका ब्याज का मीटर चालू है, बैंक लोन्स चालू है, तो आप 4 साल इंतजार नहीं कर सकते। और किसी भी काम को करने के अंदर पहले दिन से तो चलेगा नहीं, आपको थोड़ा समय तो देना पड़ता है। तो ये 4 साल हमारा हमारे प्लेनेट के हिसाब से भी मैनेज हो रहा है और हमारे प्रोजेक्ट के अनुसार भी मैनेज हो रहा है। तो यहां हमें यही करना चाहिए और यही राय मैंने उनको दी। दोस्तों ये मैं तब कर पाता हूं जब मुझे बिजनेस की प्रैक्टिकल नॉलेज है, वरना ग्रहों के आधार पर तो मैं सिंपल एक ही बात उनको कह पाता, हाँ जी 2 साल आपका खराब है, नुकसान होने की संभावना है, मत करो। अब बेचारे वो घूमते रहे कि 2 साल हम क्या करें क्या करें। लेकिन दोस्तों पूरी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद में आपको ये पता चलता है कि वास्तव में ये सिनेरियो बन क्या रहा है, और अगर आपका अपना एक्सपीरियंस है तो आप बेहतर गाइडेंस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने उनको एक बात और कही कि आप दोनों में से आपकी वाइफ के नाम से यदि आप इस हॉस्पिटल को चलाएंगे तो आपका हॉस्पिटल ज्यादा रन करेगा, क्योंकि आपकी वाइफ की कुंडली के अंदर प्रसिद्धि योग है, नेम फेम उनको मिलेगा ही मिलेगा, और उन्होंने कहा ऐसा होता भी है। इनके पेशेंट बहुत तारीफ करते हैं बाहर निकलते हैं तो और कई पेशेंटों को भेजते हैं, लेकिन मैं कितना ही अच्छा ट्रीट करूं लेकिन कोई बहुत अच्छी मेरी इमेज जो है वो नहीं बन पाती है। अच्छा डॉक्टर हूं पर फेमस डॉक्टर नहीं बन पाता, लेकिन मेरी वाइफ पूरे शहर की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दोस्तों प्लैनेट बता देते हैं कि कौन कहां पर कैसे काम करेगा। जैसे किसी चीज के अंदर उसके कंपोनेंट अपनी सही जगह पर अगर लगाए जाएं तो वो चीज बहुत अच्छी तरह से रन करती है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी ये बताती कि आपके कौन कौन से कंपोनेंट कहां काम करेंगे। इसीलिए पहले राजा महाराजाओं के पास में पंडित लोग हुआ करते थे, विप्र लोग हुआ करते थे, जो हर बड़े काम से पहले उन्हें राय दिया करते थे, क्योंकि वो विद्वान होते थे, वो जानते थे कि समय कैसा है और इस समय के आधार पर आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। तभी तो चाणक्य नीति फेमस हुई, चाणक्य बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, और इसीलिए चाणक्य नीति आज तक कभी फेल नहीं हुई, क्योंकि ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान और नॉलेज दूसरी चीजों की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की, राजनीति शास्त्र की, वो भी उनको थी, और दोनों को जब उन्होंने कंबाइंड किया तभी तो वो चाणक्य नीति बना पाए, और जिसका फायदा आज पूरी दुनिया भी ले रही है।
यही है कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी। खाली इतना समझ लेने से नहीं होगा, वक्त खराब है, रुक जाइए। रुकने से वक्त कैसे अच्छा हो जाएगा? वक्त अगर खराब है तो मुझे रुकने के बाद भी तो नुकसान होगा। तो मुझे क्या करना है कि ये खराब वक्त भी मेरे लिए अच्छा बन जाए? भगवान राम के जीवन में 14 वर्ष का समय वनवास का बिल्कुल खराब समय था। तो चाहते तो वो 14 वर्ष के लिए अयोध्या के बाहर एक कुटिया में रहते, 14 साल पूरे करते और वापस अयोध्या में आ जाते। ये मशवरा तो उन्हें दिया भी था बहुत लोगों ने, उनके राज्य के बहुत से लोगों ने जो उनको प्यार करते थे नहीं, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन राम ने कहा नहीं, मैं इस 14 वर्ष को भी सर्वश्रेष्ठ कर्म के द्वारा यह साबित करूंगा दुनिया के लिए कि यह समय भी कैसे बहुमूल्य समय में तब्दील किया जा सकता है। इसीलिए तो वो हमारे प्राणाधार हैं, इसीलिए तो हमारे आराध्य देव हैं। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो और अपना श्रेष्ठतम कर्म उस समय पर जरूर करो। और उन्होंने भी जब रावण की लंका पर विजय प्राप्त करनी थी तो उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना करके और फिर उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर लंका पर आक्रमण किया। यहां भी उन्होंने प्रकृति के नियमों को फॉलो किया। दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ के द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ये एक आपके जीवन का अभिन्न अंग है। अकेली एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है और अकेले आप भी कुछ नहीं है, इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और केवल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज से ये चीज नहीं होती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये काम कैसे करती है। तभी आप देखिए कि जितने भी कोच होते हैं जो ट्रेंड करते हैं दूसरों को, वो क्या होते हैं, वो खुद उस फील्ड के महारथी होते हैं, तब जाकर के वो उनको कोचिंग देते हैं। लेकिन हम जीवन के अंदर सिर्फ एक नॉलेज को लेकर के ही बैठे रहते हैं, कभी भी और नॉलेज की तरफ ध्यान नहीं देते कि राजनीति शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या है। अगर इन सब का प्रॉपर नॉलेज आपको होगा तभी आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। और मैं ये काम आप लोगों के लिए बिल्कुल करूंगा। खाली मैं एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं दूंगा आपको दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है जिंदगी के अंदर, कैसे हमारी मदद करती है, कैसे हमें आगे बढ़ा सकती है, कैसे हमें इसे अंधविश्वास के रूप में ना लेकर के वैज्ञानिक रूप में लेना है, ये सारा काम मैं आपके साथ मिलकर के करूंगा। और इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मेरे दो टारगेट मैंने भी डिसाइड किए हैं, मुझे एक तो आप लोगों का 10 लाख का परिवार बनाना है और दूसरा एक छोटा सा आज के लिए कि इस वीडियो को 5000 लाइक्स चाहिए। अगर आप ये करते हैं मेरे लिए तो मुझे लगेगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और मैं और स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।